बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जान रही हैं। अल्लाह आपको खुशियाँ दे, सलामती दे, दुनिया आफत की भलाई और कामयाबी का फरमाए। जो प्यारे दुनिया आसानी से जा सकते हैं, अल्लाह की मुफ्त फरमाए, दर्जा बुलंद करे, वर्षा को सब्र जमीनता करे, इसका नमल बदल दुनिया में अच्छा दे, आफत में भी अच्छा दे। जो प्यारे दुनिया आसानी से जा सकते हैं, अल्लाह की मुफ्त फरमाए, दर्जा बुलंद करे, वर्षा को सब्र जमीनता करे, इसका नमल बदल दुनिया में अच्छा दे, आखरत में भी अच्छा दे। हमारे आगे खड़ा है ये वाला, इसकी टांगों के बीच में जो पैरों के बीच में धागे फंस गए थे, ये चल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। और ये अब जो है ना अपनी माँ की तरफ, बहनों भाइयों की तरफ जा रहा है। ये सामने वो जिससे मुर्गी कर रही है, क्योंकि बाजरा आज मेरे बेटे ने ना बहुत डाल दिया है। बाकी ये दो बच्चों को, यानी कि जिनको इनकी मुर्गी जो है ना, ये सामने जितने बच्चे कर रहे हैं ना, इनमें से दो बच्चों को मुर्गी ने संभाल दी। ये देखो पीछे पैर के नीचे बेटा आपके साथ आया हुआ है, एक ये बच्चा है, एक और है। हम सो गए और हमारे अबकर ने ना इस टोकरे के बीच में इनको दो को अलग बंद किया था, इसलिए ताकि बिल्ली ना उठा सके, इनकी देखभाल संभाल की जाए। अबकर ने बाजरी उठा उठा के फेंकी, वो देखो बाजरी इतनी है बेटा, जरा जूम करके दिखाओ वहाँ पे, कितनी बाजरी इसने मेरे अबकर ने यहाँ डाल दी, दरों डाल दी। और ऐसा लगती है जैसे कि पाँच छः दिन की खुराक हो, पाँच छः दिन की खुराक, एक दो दिन की नहीं। और ये है 19 बच्चे, यानी कि मैंने बैगों से मजाक कर रहा था, मुर्गा ने मुर्गा पुतलू को, उसकी ये बीवी है ना, उनका क्या हुआ है, इतने बच्चे पैदा किए, 10, 5, 15 और 4, 19 बच्चे, कितने, 10, 5, 15 और 4, 19 बच्चे मुर्गे की बीवी ने दिए, मुर्गे की बीवी ने दिए। वो देखो ठीक है, उसकी दो बीवी हैं, एक नहीं दो, एक तो जिबा कर दी गई कि मार दी, कितनी बीवियां उसकी, दो बीवियां, इतनी दो ठीक है, मुर्गे की एक दूसरा कर रही है। तो ये रहे उसके, यानी कि मुर्गी को जिबा किया मजबूरन क्योंकि बीमार थी, और हमने फिर बहुत मजबूत दिमाग करके उसको हलाल कर दिया, हलाल कर दिया। ये देखिए वो बच्चा बेचारा लगा कर रहा है, यहाँ वो उधर है, ये लगा है, मुर्गी संभालती नहीं है। वो भी लाओ, ये देखो ये मेरा बकर लेके आ रहा है, इन दो बच्चों को जो है मुर्गी नहीं संभाल रही, बकर बड़ा दुख हो रहा है। मालिक और मौत का मालिक बन रहा है, आप जो ना मैं अपनी आटो से टांगे पहनता हूँ, यहाँ से 4 बजे बाहर निकालेंगे। और जो ना बड़ी बेटी ने ये पानी लगाया था, यहाँ पे डाला था, तुरखा किया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो ये रहा जी टांगे पहननी है मुझे ना, मैं बेगम को कहता हूँ मुझे जुराबे और दे। अच्छा ये चीज नोट करें बेटा, जरा करीब यहाँ, जरा कैमरे पे शायद गौर करें, इस जगहों पे ये धागे निकले हुए हैं, इसी तरह यहाँ पे निकले हुए हैं ठीक। अच्छा इसके नहीं है, ये देखें इसके नहीं है, इसके भी तकरीबन यहाँ पे हैं, एक ये एक ये। जब ये पहनता हूँ ना मैं ऐसे खींचता हूँ ऊपर, वो धागे जो निकले होते हैं ना, इनको बीच में चुभ जाते हैं, चुभ जाने की सूरत में जब हम डालते हैं यहाँ पे टांग अंदर पहनते हैं, चलते हैं, जैसे वजन आता है तो होता है, जब जख्म हो जाता है होती थी छोटी सी क्रैच टाइप की माँ का है, लेकिन ये बंद हो जाने की वजह से अंदर मैं फिर ये टांगे 8 दिन 10 दिन 12 दिन गुजर इससे मैं पहन नहीं सकता, चल नहीं सकता। फिर मैं चाहता हूँ इनको ये है कि छोड़ देता हूँ, अब ये क्या ये वो दाग निकले हुए ठीक है, धागे निकले हुए हैं, ये देखो ना फट गई है ये भी ठीक है, ये जख्म कर देंगे, फिर तो मैं चल भी नहीं सकूंगा ठीक है। ये
ये जनाब अब नई जराबे पहनने लगा हूँ मैं, ठीक है जी, बहुत महंगी मिलती हैं, अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह बरकत दे। और अब ये गर्मी शुरू होगी, गर्मियों के बीच में इस तरह की जराबे आना भी बंद हो गए थे। अकदर जब सर्दियाँ थी उन दिनों में उनके पास सिर्फ ये दो पैकेट आए थे, सिर्फ दो पैकेट, और उसमें से मैं एक पैकेट ले आया था। जब दूसरी मरतबा मैंने सोचा कि जमा कर लूँ, ले कर रख लूँ, फिर गर्मियों के बीच में हमें नहीं मिलेंगी, उससे बेहतर है कि मैं अभी ले के रख लूँ। लेकिन यह है कि इसी में से फिर जाना चार जोड़े पर ये पांच जोड़े मिले, उनका ये हमने सिर्फ हमारे पास आए दो पैकेट थे, एक पैकेट आपको पहले ले गए और दूसरे में से ये ही चार जोड़े बचे पड़े हैं। अब दोबारा और यानी कि मैंने फिर मालूमात नहीं दी, अब मुझे और चाहिए क्योंकि ये ख़त्म होती जा रही हैं और मेरे ख्याल में पीछे शायद कितनी बच्ची होंगी मालूम नहीं है, और खैर अब दोबारा नई और लेनी है। अल्लाह की रहमत हमारे घर में देखें कितना अजीम करिश्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक तोहफ़ा हमें घर में मिला है, बहुत प्यारा तोहफ़ा। ये मैं आपको इसमें दिखाता हूँ क्या कह रही है, रुको, मैं ये दिखाता हूँ ये इसमें है क्या, यहाँ पे है क्या जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये शहद है जी, शहद। अब आपको शायद नज़र आ रहा होगा इसमें ये शहद बैठा हुआ है, ठीक है, लकड़ियों के बीच में नज़र नहीं आ रहा, बहुत कम नज़र आता है इस साइड से, तो इसलिए मैंने इनको मना किया, इसको अभी नहीं उतारते, फिर उतारेंगे जाके। ये मित्रों की शटिंग हो रही है, चार पेज की शटिंग हो रही है, यहाँ पे आप उधर से पकड़ो चार पेज बेटा, इसको इधर कर लें करीब, ठीक है, और यहाँ रखो। अच्छा बात सुनो मेरी, यहाँ बिछाओ ना, पहले मैं बैठना चाहता हूँ, कह रहा है मेरी चारपी पे नहीं आना, नहीं तो मारूंगा धमके देता है हर वक्त, वो मुर्गी सामने वो कर रही है बच्चों को लेके, बाकी दूसरे बच्चों को साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। चले ये चारपी ले आ रहे हैं, ठीक है, उधर से उस तरफ से फातिमा उस तरफ से आओ, उधर से आओ बेटा, ठीक है, अपनी मामा की हेल्प कराया करो, उधर से आए, अल्लाह सली अल्लाह बेहतरी का करेगा। वायरलेस नैक ले लिया, तकरीबन मैंने पता किया है कोई 35 से 4 हज़ार के आसपास या 30 हज़ार की मिल जाएगा, पता है यही गया है कि 35 से 4 हज़ार के दरमियान मिल जाएगा, ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह लेते हैं, लेके जो है ना उसको चार्जिंग वगैरह सिस्टम में वायरलेस नेट, उसके जरिए जो है ना आवाज़ रिकॉर्डिंग वगैरह सही होगी इंशाल्लाह, ताकि मुश्किल ना हो। चारपाइयों को लगा रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतरी का फरमाएगा इंशाल्लाह। मेरे अपने मामा बेचारा को यहाँ गिद्दी बिछा रहा, पहले इधर गिद्दी को बिछाओ ताकि बैठो फातिमा, बाकी बिस्तर बिस्तर सेटिंग करें, ताकि इधर मैं बैठना, मैंने अभी टांगे उतारनी, हवा लगवानी है, मुश्किल होता है इतनी देर पहन के ना, मजे से रहना मुश्किल हो जाता है, गर्मी बहुत है, बंद टांगे जो है ना रह जाती है, हवा नहीं लगती, बहुत मुश्किल होती है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतरी का फरमाएगा। बेगम जो है ना लेके आ रही है, ये गिंदी को मक्खियाँ इतना तंग कर रही हैं कि बस अल्लाह पर फजल करें, करम करें, और मक्खियों से निजात दिलाए, मौसम है मक्खियों का बहुत तंग करती है, यकीन जाने बहुत तंग करती है। अल्लाह खैर, घर की आने की सफाई होती है, बहुत सफाई होती है, बेगम करती है, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अब ये देखिए मैं यहाँ टांगे अपनी उतारने लगा हूँ, अब आपके सामने ये देख लेंगे, ठीक है जी। हालांकि इतनी देर हम पहन के रह नहीं सकते, उसकी वजह ये कि अब ये देखिए मैं उतारने लगा हूँ, ये हवा लगवानी है, ठीक है जी, वजू मैंने शुक्र कर लिया, और अब आके यहाँ बैठे नमाज मगरब के वक्त पर भी तकरीबन आधा घंटा से ऊपर टाइम बाकी पड़ा है, अभी यानी आधे घंटे से ऊपर तकरीबन 40 मिनट टाइम पड़े हैं। ये देखिए अल्लाह अकबर, ठीक है, बहुत मुश्किल है, गर्मी अभी आगाज़ है मेरे साथ, गर्मियों में बड़ी मुश्किल होती है, जितना जल्द हो सके मैं टांगे अपने उतारूँ, हवा लगाऊँ, ज़रूरत ज़िंदगी के लिए टाइम है, जहाँ की आना जाना होता है वो भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, पानी तो दो ठंडा मुझे ज़रा, ठीक है, पानी दो पीने के लिए। ये अब देखेंगे, ये मैंने उतारी है, जुराबे सब गिली हैं, ठीक है जी, जुराबे गिली हैं, अब यहाँ सूखेंगी, अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी वक्र आमना, ये देखो जी अपनी चारपाइयों को लेके आ रहा है, वो कह रहे मैंने सुना है, वो कहते हैं मैंने सुना है, अब देखते हैं इसको सोएगा कौन, कौन सोएगा आमना, तो
आप लेके आए हो? कहाँ से ले आए हो? लेके तो मैं आपकी मामा कह रही पाँव को धो लो, पाँव को धो जाओ, जूता पहनो, पैर धो लो, जूता पहन लो बेटा, पैर धो लो। अच्छे बच्चे कहने मानते हैं, ठीक है, जूता पहनो। जूस ले कर दूँ? तो मैं जूस ले कर नहीं देता, पहले आपने पाँव हाथ धो, ठीक है, हाथ धो लो, पैर धो लो, मुंह धो लो, जल्दी करो। आप पंखा ले आओ, पंखा, पंखा। हाँ क्यों नहीं देता? फिर मैं नहीं लेकर देता, नहीं धोएगा तो क्यों नहीं धोएगा? हाँ अभी चार पे ना देना है तो लिया आपके लिए। आप ना वो पंखा ले आओ बेटा, पंखा ले आओ, आप ना वो पंखा उठा के दे रही है मुझे। ठीक है जी, बेगम लगाने जा रही है पंखा, अल्लाह खैर करेगी, अल्लाह खैर करे, बेहतरी का फरमाए। पसीना देखे जी, पसीना, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतरी का फरमाएगा, चेहरे पे पसीना देखे। आप ना मुझे दो वक्का हटो पीछे, ठीक है, अब हटो, लगाओ लगाओ उसे, लगा लो ताकि फिर खाना क्या देर हो रही है, नमाज मगरब पढ़नी है, अभी वक्त है नमाज मगरब का, लेकर उससे पहले पहले खाना खा रहे हम, फिर नमाज पढ़ते हैं, नमाज करते अभी इंशाल्लाह करीब हो जाएगा। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, बेगम उस तरफ पंखा लगाने जा रही है, चलाने जा रही है, फिर खाना खाएंगे, आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर किसी और वीडियो में दोबारा मिलेंगे। बाकी दुआ में याद रखना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।